बुलंदशहर में लापता हुए अधिवक्ता को 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मौके पर पहुंचे आईजी मेरठ ने घटना का जायजा लिया और इस सर्च ऑपरेशन के लिए 5 टीमों का गठन किया। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस सर्च ऑपरेशन में 5 टीमों को लगाया है, जो अलग अलग स्थलों से छानबीन करने में जुटी है। आईजी ने बताया कि जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर अधिवक्ता तक पहुंचा जा सकेगा। टीम के साथ साथ डॉग स्कॉट और सैकड़ों ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने अधिवक्ता को खबरा गांव के जंगलों में तलाश किया, जहां अधिवक्ता की बाइक मिली थी। देखिए, प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसमें अपने एक परिचित यहाँ पर बैठे हुए थे खाने पीने के लिए। वहीं पर इनके पास एक सूचना आती है, फ़ोन आता है, जिस बेसिस पे ये निकलते हैं और कुछ दूर आगे जा करके इनकी मोटरसाइकिल मिलती है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट क्लूज इस पैटर्न में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। चूँकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैंकों में अंडर प्रोसेस थे, उन सभी कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट जो क्लूज मिले उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसका अनावरण कर देंगे। इसमें और कोई ऐसे आपराधिक किसी चीज़ की वैसे अभी फिलहाल कोई चीज़ नहीं मिली है, लेकिन हम सभी एंगल्स पे इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही इसका अनावरण करेंगे। कोई सफलता ना मिलने पर बुलंदशहर पुलिस ने ड्रोन कैमरे का सहारा लिया है, जिसकी मदद से आसपास के क्षेत्र में भी लापता अधिवक्ता की तलाश जारी है। गौरतलब है कि धर्मेंद्र चौधरी बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव फतेहपुर के मूल निवासी हैं, जो खुर्जा नगर की गुलशन विहार कॉलोनी में रहते हैं। बीती 25 तारीख में रोज की तरह शाम को वे घर से बाइक लेकर निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। तभी से अधिवक्ता का मोबाइल भी ऑफ है, जिसके बाद से परिवारजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। कल सुबह धर्मेंद्र चौधरी के परिजन और पुलिस की तलाश के दौरान अधिवक्ता की बाइक खबरा गांव के जंगलों में पड़ी मिली। सर्च ऑपरेशन में लगी टीम अब ड्रोन कैमरे की मदद से लापता अधिवक्ता को ढूंढने में लग गई है, जबकि अधिवक्ता की बाइक मिलने के बाद परिजनों को अनहोनी की चिंता सता रही है, तो वहीं बुलंदशहर पुलिस के लिए अधिवक्ता को ढूंढना भी एक चुनौती है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।